आज हम लोग कक्षा तीसरी के हिंदी का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। इसमें क्यों और कैसे से कुछ ऐसे अनोखे प्रश्न पूछे गए हैं जो काफ़ी आश्चर्य में डाल देते हैं। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं क्यों जीमल। बात बात पर पूछ देते हैं, क्यों क्यों क्यों। भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। बच्चे, इसका मतलब यह कि जो प्रश्न हमेशा क्यों से पूछते हैं उनको यहाँ क्यों जीमल बताया गया है, और जो प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं उनको कैसे लिया बताया गया है। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई आटा। क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। क्यों क्यों क्यों, सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है इसलिए सानेंगे। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, गुरुजी तुम लोगों को क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। इस पाठ को पढ़ोगे और इस कहानी को समझने की कोशिश करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें हमें सीखना है कि रोटी कैसे बनाई जाती है, इसके विधि को जानना है। तुम इस पाठ को पढ़ने के बाद कम से कम 10 शब्द कठिन जो आए हैं उनको लिख लोगे और इस कहानी को अपने शब्दों में याद करोगे। धन्यवाद।